परिचय प्यारे दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कोई छोटा सा बच्चा एक वयस्क कैसे बनता है आइए जानें कि हम अपने जीवन के विभिन्न चरणों में कैसे विकसित होते हैं आओ सीखें बता पाएंगे कि विकास क्या होता है किसी बच्चे के विकास के विभिन्न चरणों के बारे में बता पाएंगे विकास जैसा कि हम जानते हैं हर जीवित चीज का आकार अक्सर बढ़ता है लंबाई या वजन में इस वृद्धि को ही विकास कहते हैं बाल अवस्था प्यारे दोस्तों क्या आप यहां इस लड़की को देख पा रहे हैं ये है मोनी क्या आप जानते हैं कि ये केवल रेंग सकती है लेकिन चल नहीं सकती इसे बाल अवस्था काल कहते हैं शुरुआती बचपन एक देखो अब ये थोड़ी मदद के जरिए चल सकती है अब ये अपने खिलौनों के साथ खेल सकती है शुरुआती बचपन दो अब मोनी बड़ी हो चुकी है आप देख सकते हैं कि वह अब बिना मदद के आसानी से चल सकती है यहां हम देख रहे हैं कि वह एक ट्राइसिकल चला रही है वह खुश है वह ब्लॉकों का टावर बना सकती है यह इसके बचपन का शुरुआती चरण है मध्य बचपन दोस्तों देखिए मोनी अब स्कूल जा रही है अब वह बड़ी हो गई है शाम को वह अपनी साइकिल चलाती है उसे कार्टून फिल्में और कॉमेडी शो टेलीविजन पर देखना अच्छा लगता है यह उसके बचपन का बीच वाला हिस्सा है बचपन का आखिरी हिस्सा अब मोनी बिना किसी की मदद के बहुत तेज भाग सकती है और कूद सकती है अब उसे डर नहीं लगता वह डांस स्केट सीख रही है वह मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेलती है यह उसके बचपन का आखिरी हिस्सा है किशोर अवस्था कुछ समय बाद मोनी में और बदलाव आएगा और वह अपनी बड़ी बहन जैसी दिखने लगेगी आपको आसानी से उसके शरीर में और बदलाव दिखेंगे इस चरण को किशोर अवस्था कहते हैं इस चरण में हम आसानी से किसी लड़के और लड़की में उनके लक्षणों के आधार पर अंतर कर सकते हैं लोग अलग दिखते हैं हमारे शरीर की विकास प्रक्रिया के दौरान हम में बहुत से परिवर्तन आते हैं यही बदलाव हमें वह बनाते हैं जो हम हैं इसीलिए ये हमें बाकी लोगों से अलग बनाते हैं हमने क्या चर्चा की हर जीवित चीज बढ़ती है और उसके आकार में बदलाव आता है बाल अवस्था शुरुआती बचपन बचपन का मध्य भाग बचपन का आखिरी भाग और किशोर अवस्था किसी बच्चे के विकास के अलग अलग चरण हैं लोग इसलिए अलग दिखते हैं क्योंकि वे बढ़ रहे होते हैं